दशहरा जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, भारत का यह एक प्रमुख त्यौहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसकी कहानी रामायण से जुड़ी हुई है। भगवान राम की कथा दशहरे के पीछे की एक प्रमुख कहानी है। प्राचीन काल में लंका के राजा रावण ने माता सीता का हरण किया था और उन्हें अपने नगरी लंका ले गया। रावण एक शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा था, लेकिन उसने अधर्म का रास्ता अपनाया। माता सीता को बचाने के लिए भगवान राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण और हनुमान जी ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया। इस युद्ध के दौरान भगवान राम ने रावण के 10 सिरों को काटा और अंत में रावण का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान राम ने बुराई का अंत किया और धर्म की विजय की। दशहरा का यह पर्व रावण के वध और भगवान राम की विजय को मनाने के लिए मनाया जाता है। इसे अधर्म पर धर्म, अन्याय पर न्याय और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है। विजयादशमी के दिन रामलीला का आयोजन होता है, जिसमें भगवान राम और रावण के बीच को नाटकीय रूप में दिखाया जाता है। शाम के समय रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का दहन किया जाता है, जो बुराई के नाश का प्रतीक है। दशहरा हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी बुराई हो, अंत में सच्चाई की जीत होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।